हेलो फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने मिरर लगा के बनाई है। इसमें मैंने तीन शेप के मिरर काम में लिए हैं, टीयर शेप के बड़े वाले, राउंड और स्क्वायर शेप के छोटे वाले मिरर काम में लिए। बाहर की तरफ मैंने इसमें ये नेट लगाई है, जिसके ऊपर मैंने एक एक मिरर लगा के इसे डेकोरेट किया है। अंदर की तरफ मैंने इसमें बड़े वाले टीयर शेप के, फिर छोटे वाले लगा के इसे डेकोरेट किया। इसी तरह मैंने चोली पर लगाया है अपनी इस ड्रेस को, मैंने इस तरह से डेकोरेट किया। ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए मैंने बनाई है। चलो हम इस तरह की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ड्रेसें कैसी लगती हैं। चलो हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना घेरा तैयार कर लेते हैं। मैंने 7 इंच का टैटून का पीस काट लिया है। इस टैटून के पीस के मैंने ऊपर की तरफ सिल्क का कपड़ा और पीछे का सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया है, और आगे की तरफ मैंने टिश्यू रिबन लगा के इसके खुले हुए मुंह को मैंने सिलाई कर ली। ये हमारे 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने अपनी ये चोली की पट्टी भी काट ली है। ये मैंने 9.5 इंच की लंबाई के लिए, और इसमें मैंने 1/4 इंच या 1/4 इंच से एक सूत ज़्यादा, 1/4 इंच से एक सूत ज़्यादा कि मैं पट्टी काट लेती हूँ। इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। 2 पीस करने के बाद हम अपनी पट्टी को इस तरह आगे से लगभग 1 इंच के ऊपर सिलाई कर देते हैं, फिर अपनी बाजू को भी सिल लेंगे और अपने घेरे से हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो हम इसे सिलाई करके अटैच कर लेते हैं। इस तरह हम अपनी चोली की सिलाई कर लेते हैं। पहले आगे की तरफ हम सिलाई कर लेते हैं लगभग 1 इंच के ऊपर, फिर दोनों तरफ से हम अपनी बाजू की सिलाई कर लेते हैं। बाजू की सिलाई लगभग हम 1/2 इंच तक करते हैं। इस तरह हमारी ये चोली बन के तैयार हो जाती है। अब इस चोली को अपने घेरे पे अपन अटैच कर देते हैं। तो घेरे पे चोली को अटैच करते हुए हम थोड़ी थोड़ी दूर में अपनी सिलाई को धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि चोली हमारी राउंड में लगती है। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम अपनी चोली को सिलते हुए अपने घेरे पर पूरी को सिलाई करके पूरा कर लेते हैं। मैंने अपनी चोली को घेरे पे अटैच कर लिया है। अब हम अपनी चोली के चारों तरफ नेट की एक पट्टी लगाते हैं। जिस कलर की हम ड्रेस बनाते हैं उसी कलर की हम नेट की पट्टी लेते हैं। ये मैंने एक नेट की पट्टी काट ली है, ये लगभग 2.5 इंच लंबाई की मैं लेती हूँ। इस नेट की पट्टी को हम अपने घेरे के ऊपर इस तरह गोलाई में नाप लेते हैं। थोड़ा लूज़ लूज़ नापते हैं इसको हम, क्योंकि गोलाई में होने से इसे लगने में दिक्कत आती है, थोड़ी सी प्लेटें डल के फिर लगेगी। गोलाई में नापने के बाद लगभग हम इसे 5 से 7 इंच के ऊपर और एक्स्ट्रा काट लेते हैं। इसे 5 से या 7 इंच के ऊपर इसे और एक्स्ट्रा काट लेते हैं हम। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। अपनी पट्टी को हम फोल्ड करते रहते हैं। फोल्ड करते हुए हमारी ये पट्टी लगभग 1 या 1/4 इंच की चौड़ाई पे आ जाती है। इस तरह से ये 1 या 1/4 इंच की चौड़ाई पे मेरी पट्टी आ गई। अब इस पट्टी के ऊपर हम ऊपर की तरफ से एक राउंड शेप में पत्ती काटते हैं। इसके लिए मैंने लगभग आपको मार्कर से करके दिखा रही हूँ, लगभग 1 इंच इधर निशान लगा लेती हूँ और 1 इंच इधर निशान लगा लेती हूँ। इस तरह मैं 2 निशान लगा लेती हूँ और अपनी पट्टी को इस तरह से गोलाई देते हुए इसको मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से गोलाई देते हुए इस तरह हमारी अब ये नेट कट जाती है। ऊपर से हमारी ये राउंड शेप में कटती है, नीचे से हमारी ये प्लेन रहती है। अब इसे हम अपने घेरे पे लगाते हैं। घेरे पे हम प्लेन वाले हिस्से को लगाते हैं। राउंड वाला हिस्सा रहता है जो हमने कटिंग की थी पत्ती की शेप की, वो ऊपर की तरफ रहता है। इस तरह हम इसे अपने घेरे पे लगाते हैं। यहाँ से शुरू करते हुए इसे लेते जाएंगे, एक बार सिलाई कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम टिश्यू रिबन लगाएंगे। तो पहले एक बार मैं सिर्फ नेट की सिलाई कर लेती हूँ, मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ।
से मैंने अभी अपने चारों तरफ नेट लगा ली। ये लाइट कलर की होने से दिखाई नहीं दे रही है। मैंने अपनी चारों तरफ नेट लगा लिए, ये लाइट कलर पे दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं नीचे डार्क कलर का कपड़ा लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो ये चारों तरफ ये हमने नेट लगा ली। अब अपनी नेट के चारों तरफ हमने जो यहाँ पर टिश्यू रिबन लगाया था, हम टिश्यू रिबन लगाते हैं। टिश्यू रिबन हम इस तरह से लगाते हैं, जो हमारा किनारे वाला हिस्सा है उस हिस्से पे पहले हम इस तरह से लगा देंगे इस टिश्यू रिबन को। धीरे धीरे हल्का सी सल डालते हुए लगेंगे, क्योंकि राउंड में लगता नहीं है। और फिर इसको अंदर की तरफ से हम पूरी को इस तरह से सिलाई कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पीस होगा हमारा नेट का, उसे हम अंदर दबा देंगे। तो मैं पहले एक ही सिलाई लगा लेती हूँ, फिर उसके ऊपर अपनी दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो पहले एक सिलाई लगा लेती हूँ। अब हम इसमें हम टिश्यू रिबन लगाना शुरू करते हैं। आगे के मुँह को हम मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे हम इस पर सिलाई शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इसमें राउंड में करते हुए हमें सिलाई शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जो हमने घेरे का कोना है वहाँ से हम बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई करते हैं इसके। इस तरह करते हुए मैं इसको पूरा सिल लेती हूँ। इस तरह हमने नेट के ऊपर ही अपना टिश्यू रिबन लगा लिया। यहाँ हम कोई गोटा भी लगा सकते हैं। अब इसके आगे की तरफ दूसरी तरफ भी मैं अपनी सिलाई मशीन से इस तरह सिलाई कर लेती हूँ। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपने घेरे पे टिश्यू रिबन की दूसरी सिलाई भी कर ली है। दूसरी सिलाई करते समय इसमें हल्की हल्की सी सल आ जाती है। अब इस घेरे के ऊपर हम मिरर लगाएंगे। हम इसमें टीयर शेप के, राउंड और डायमंड शेप के मिरर लगाएंगे। अपनी ड्रेस पे मैं इस तरह के टीयर शेप के मिरर लगाऊंगी। तो मिरर आधे तो हम अपने टिश्यू रिबन पर लगाएंगे और आधे हम बाहर लगाएंगे। तो हल्का सा टिश्यू रिबन दिखता रहेगा और जो हमारा ये सल आ रही है जो हमारे इसके नीचे दब जाएगी, हमारे मिरर के नीचे दब जाएगी। तो मैं सभी जगह अपने फैब्रिक ग्लू को यूज़ करते हुए अपने मिरर को लगाती हूँ। बस हल्का सा कोना हमारा दबेगा मिरर के नीचे अपने टिश्यू रिबन का। इस तरह लगाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते। अब सभी जगह टीयर शेप के मिरर लगा के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह के राउंड शेप के मिरर और इस तरह के डायमंड शेप के मिरर लगा के हम इसे डेकोरेट करते हैं। और जो हमने ये कटिंग की थी अपनी नेट की, इस नेट के ऊपर भी हम एक एक रो लगाएंगे। तो पहले मैं एक राउंड की लगा देती हूँ, उस पर एक यहाँ पे एक राउंड लगा देती हूँ। दूसरी तरफ अपना ये दूसरा ये वाला मिरर लगा देती हूँ। हम नेट पे सभी जगह अपने मिरर लगा लेंगे और इसी तरह हम आगे की तरफ भी लगाएंगे। तो एक राउंड लगाती हूँ मैं, एक राउंड वाले का लगाती हूँ। इसके बाद मैं एक
मैं ये स्क्वायर शेप के मिरर का लगा देती हूँ। फिर एक राउंड लगा देती हूँ। इसे लगाते हुए मैं सभी जगह लगा लेती हूँ। इससे मैंने सभी जगह मिरर लगा के अपने ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। मैंने चोली पे भी आगे की तरफ एक टीयर शेप वाला बड़ा वाला लगाया, फिर राउंड और फिर स्क्वायर शेप का इसी तरह मैंने पीछे भी लगाया। इससे मैंने अपनी इस ड्रेस को कम्प्लीट किया है। बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से बन जाती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।